Union Stram Sang. श्रम संघ श्रमिकों द्वारा गठित एक संगठन है जो श्रमिकों के हितों एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गठित किया जाता है। भारत में ट्रेड यूनियन की शुरुआत औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुई। धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ, विस्तार हुआ, श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी, नियोजक का शोषण भी बढ़ गया। श्रमिक नियोजक के शोषण से बचने के लिए संगठित होने लगे और अपना संगठन का निर्माण किया, लेकिन नियोजक की संगठन को तोड़ने का हमेशा प्रयास करता था। उसमें प्रारंभिक दौर में उसे सफलता भी मिली, लेकिन श्रम संघ द्वारा संगठन श्रमिकों द्वारा संगठन बनाना जारी रहा। इसी बीच में कुछ समाजवादी नेता आए, जैसे सोराबजी सोपारजी, नारायण जी मेधाजी लोखंडे। सोराबजी सोपारजी द्वारा 1975 में मुंबई के सूती वस्त्र उद्योग में आंदोलन किया गया। इस आंदोलन को सरकार ने दबा दिया। तत्पश्चात 1984 में नारायण जी मेधाजी लोखंडे द्वारा पुनः आंदोलन किया गया मुंबई के सूती वस्त्र उद्योग, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। अंततः नारायण जी मेधाजी लोखंडे बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन नामक ट्रेड यूनियन का गठन किया। यहीं से भारतीय श्रम संघवाद का उदय होता है, लेकिन इसे भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन नहीं माना जाता है। भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन आधिकारिक तौर पर मद्रास श्रमिक संघ 1917 को माना जाता है, जो आप पीटी में बनाते होंगे, 17 या 18 भी लिखा रहता है कहीं कहीं, लेकिन 17 ही है। जो रूसी क्रांति से प्रभावित था, उसको बीपी वाडिया ने गठित किया था। देखेंगे धीरे धीरे भारत में ट्रेड यूनियन का गठन हो गया, फेडरेशन का भी गठन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर कई फेडरेशन गठित हुए। भारत में प्रथम फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक 1920 में गठित हुआ, जिसका गठन लाला लाजपत राय द्वारा और अन्य कुछ व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया। इसी तरह से अन्य जो है ट्रेड यूनियन का गठन हुआ। आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियन है क्या, तो हमने बताया पहले ही कि यह श्रमिकों द्वारा गठित एक संगठन है जो श्रमिकों के हितों एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गठित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नियोजक एवं कर्मचारियों के बीच में संबंध को विनियमित करना तथा संगठन शक्ति को मजबूत करना और श्रमिकों को शोषण से बचाना। देखेंगे इसकी परिभाषा, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत भी दिया गया है। क्या दिया गया है? ट्रेड यूनियन श्रम संघ अस्थाई या अस्थाई रूप से बनाए गए ऐसे संगठन का बोध होता है जिसमें नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच के संबंध को विनियमित किया जाता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक श्रम संघ के महासंघ भी सम्मिलित होते हैं।